नमस्ते दोस्तों, स्टोरागो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बता रहे हैं गायत्री मंत्र का जाप कब और कैसे करिए, जानिए अर्थ और आश्चर्यजनक फायदे। आज हम गायत्री माता के बारे में बात करने वाले हैं। सभी लोगों को ऐसा पता नहीं होगा कि पंडित लोग जो होते हैं ये हर किसी के घर का दान लेते रहते हैं और हर एक चीज़ कोई पुण्य पाप का भी कुछ अगर दान करके देता है तो ये खाते रहते हैं, लेते रहते हैं और इनको कुछ नहीं होता। ऐसा जो है कई लोगों को सोचने पर यह बात मजबूर कर देती है। आज हम यही रहस्य जो है आप लोगों को बताने वाले हैं कि हम लोग जो है दान लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, कोई खिलाता है खाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं, ये सब कैसे होता है। पर ये सब होता है मंत्र जप, एक ऐसा उपाय है जिससे सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और शास्त्रों में मंत्र और मंत्रों की तो बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी बताया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्रों में से एक है मंत्र, गायत्री मंत्र जो है, इसको महामंत्र भी कहा जाता है। और इसके जप से जो है कोई भी कार्य बहुत जल्दी सफल दे जाता है, प्राप्त होते हैं। गायत्री माता के जप के लिए तीन समय बताए गए हैं, सवेरे और दोपहर को और सायंकाल। गायत्री मंत्र के जप का पहला समय है सुबह का, सूर्य उदय से पहले ही शुरू करना है। जब सूरज निकल रहा हो उससे पहले ही शुरू किया जाना चाहिए और जब जो है करते करते सूर्योदय हो जाए तब तक जो है जपना चाहिए। और मंत्र जप के लिए दूसरा समय दोपहर का, दोपहर में भी इस मंत्र को जप सकते हैं। और इसके बाद में जो है तीसरा समय शाम का, सूर्यास्त से कुछ देर पहले शुरू कीजिए। सूर्यास्त से पहले कुछ देर शुरू कीजिए, सूर्यास्त के बाद में जो है इसको समाप्त कीजिए, संपन्न कीजिए। और इस प्रकार से यदि संध्या काल के अतिरिक्त गायत्री मंत्र का जप करना है तो मौन रहकर के या मानसिक रूप से करना चाहिए। मंत्र जो है अधिक तेज आवाज़ में नहीं करनी चाहिए, ना मध्यम आवाज़ में करनी चाहिए। पवित्र और चमत्कारी मंत्र इस प्रकार से, ओम भूर्भुवः सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस गायत्री मंत्र का अर्थ है कि सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं और परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। और गायत्री मंत्र की विधि क्या है तो इसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं। इस मंत्र के जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना सबसे श्रेष्ठ होता है। जप से पहले स्नान आदि जो है करके अपने आप को खुद पवित्र कर लें, उसके बाद ही जपना चाहिए। मंत्र जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। 108 का मतलब है एक माला कम से कम जपना चाहिए। घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पे गायत्री माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। और हम आपको बता रहे हैं गायत्री मंत्र के जप जो करते हैं उसके 8 फायदे के हैं। उत्साह एवं सकारात्मक बढ़ता है और धर्म और सेवा कार्यों में मन लगता है और जो कुछ होने वाला हो पहले से ही पता लगने लग जाता है। आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है। हम अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हम किसी के सिर पर हाथ रख देंगे तो उसका कल्याण होगा, उसको आशीर्वाद देंगे उसका कल्याण होगा। और स्वप्न सिद्धि भी प्राप्त होती है, स्वप्न में भी सिद्धि प्राप्त होती है। और इससे जो क्रोध शांत रहता है, त्वचा में चमक आती है और बुराइयों से मन दूर रहता है। इसलिए जो है गायत्री मंत्र जपें, और पर इसको शुद्ध अवस्था में ही जपना चाहिए और अशुद्ध अवस्था में नहीं जपना चाहिए। और हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसे लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल के आप एक सदस्य बन जाते हैं। और सदस्य बनने के बाद में आपको क्या होता है कि अगर हम कोई मंत्र, कोई भी उपाय, कोई भी जो है कथा अगर हम अपने चैनल के माध्यम से
आगे जो है भेजना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है आपके पास जाएगी। इसलिए ये सब जो है आप करके रखें और परमात्मा आप लोगों को सुख समृद्धि दे, रक्षा करें।